अमीश देवगन ने बिकाऊ होने के इल्जाम का दिया जवाब, लोगों ने लिया निशाने पर। बड़े लोगों को मीडिया से शिकायत होती है, उनको मैं कहना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से गोदी मीडिया लोगों के निशाने पर है और सबसे ज्यादा जो ट्रोल हो रहे हैं वो सुधीर चौधरी और अमीश देवगन है। नेटवर्क 18 की पत्रकारिता को लेकर भी लोग जमकर अमीश देवगन पर निशाना साध रहे हैं। मामला बढ़ता देख आखिर अमीश देवगन ने चुप्पी तोड़ी है और लोगों को जवाब देने की ठानी। अमीश देवगन एक शो के दौरान उन पर बिकने वाले इल्जामों पर नाराजगी जाहिर करते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं लोग भी अमीश देवगन को मुंह तोड़ जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दरअसल नेटवर्क 18 के शो में अमीश देवगन कहते हैं, मीडिया अपना काम करता है और जो लोग अपना काम ठीक से नहीं करते वो मीडिया पर इल्जाम लगाते हैं। कमजोर लोग माध्यम पर वार करते हैं और मजबूत लोग माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। कमजोर लोग माध्यम पर वार करते हैं और ये कमजोरी की निशानी है। बड़े लोगों को मीडिया से शिकायत होती है, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि मीडिया अपना काम करता है। अगर आप अपना काम कायदे से नहीं करते तो मीडिया पे ब्लेम करते हैं। कमजोर लोग माध्यम पे वार करते हैं, मजबूत लोग माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। कमजोर लोग माध्यम पे वार करते हैं और ये कमजोरी की निशानी। अमीश देवगन यही नहीं रुकते, वो अपनी पत्रकारिता के बारे में लोगों को बताते हुए कहते हैं कि हम देश की बात करते हैं, हम कंट्री की बात करते हैं, हम मुद्दों की बात करते हैं और इनको मीडिया बिकाऊ लगता है। हम देश की बात करते हैं, किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करते। वी टॉक अबाउट द नेशन। हम कंट्री की बात करते हैं और देश के मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन मीडिया इनको बिकाऊ लगता है। वहीं अमीश देवगन के इस बयान के बाद लोग भी अमीश देवगन की बात का पलटवार करते नजर आए और गोदी मीडिया पर जमकर निशाना साध रहे हैं। सत्यम पटेल नाम के यूजर ने लिखा, गुल्लू आज जज्बाती हो गया। नवजोत सिंह नाम के यूजर लिखते हैं, क्यों सवाल ना करे मीडिया की दलाली पर। श्याम यादव नाम के यूजर ने लिखा, अरे अमीश भाई रो मत भाई, पूरे हिंदुस्तान को पता है आप और आपकी गोदी मीडिया बिक गया है, इसमें रोने वाली क्या बात है। जितेंद्र नाम के यूजर ने लिखा, भाई अमीश देवगन तुमने चाटुकारिता की सभी हदें पार कर रखी है और ये जबरदस्ती का रोना तुम्हें इन दलाली के आरोपों से मुक्त नहीं कर पाएगा। तुम्हारी अंतरात्मा तक बिक चुकी है दोस्त। ये इमोशनल वीडियो का कंटेंट तैयार करने से अच्छा थोड़ा चिंतन करो अपने बारे में, आंखें खोलो, दलाली से बाहर आओ। शुभम पांडे नाम के एक यूजर ने लिखा, दलाल का दर्द झलका, दलाली बंद कर दे, लोग तुम्हें भी पत्रकार समझने लगेंगे। संदीप कुंदू नाम के यूजर ने लिखा, अगर इतना ही सच्चा है तो इतना भड़क क्यों रहा है गुल्लू। ऐसे ही और भी यूजर्स हैं जो लगातार गोदी मीडिया का पलटवार करते दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि मीडिया जगत से जुड़ी हर वायरल खबर आप तक पहुंचती रहे।